रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, ये आरोप है। मुंबई पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा किया है। पैसे देकर टीआरपी जुटाने और देश की जनता को धोखा देने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि रिपब्लिक टीवी ने फर्जी तरीके से टीआरपी का गेम किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया। रिपब्लिक टीवी के फर्जीवाड़े का चिट्ठा खोल दिया गया है। भारतीय टेलीविजन मीडिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टेलीविजन चैनल नेटवर्क पर देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के इतने संगीन आरोप लगे हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिसके आधार पर न्यूज चैनल नंबर एक, नंबर दो या फिर नंबर तीन पायदान पर आके जाते हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक उस टीआरपी की भी चोरी हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में दो रीजनल चैनल के लोगों को पकड़ा है और रिपब्लिक टीवी के मालिकों को इस बारे में नोटिस भेजा गया है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो टीआरपी के नाम पर हो रहा था, सौदा हो रहा था, पैसे फेंको टीआरपी खरीदो, पकड़ा गया है रिपब्लिक टीवी का ये टीआरपी फर्जीवाड़ा। इससे पहले कि हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, इस बहस की गंभीरता को समझिए। ये मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सवाल है, ये सवाल है उस खिलवाड़ का जो पत्रकारिता के साथ एक टेलीविजन चैनल कर रहा था। आज उस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, सच सामने आने की तरफ है और इसीलिए हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ गेम हो रहा था पर्दे के पीछे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिसकी वजह से आज ये सच पूरे देश के सामने आया है। रिपब्लिक टीवी पर भारत के साथ धोखा करने का ये अपराध और ये आरोप बहुत दूर तक जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको सुनाते हैं मुंबई पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई के कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउसहोल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। ऐसी आइडेंटिटीज हैं या तीन ऐसे चैनल्स कहूंगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, दो चैनल के ओनर्स फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। खबरों का फर्जीवाड़ा करते करते देखिए आज दिन कैसा आ गया, जब खुद ही खबर बन गए, जब खुद ही फर्जीवाड़े के तमाम आरोप लग गए हैं।